आज हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बारे में, और उसके पहले एक कमेंट लेंगे जिस पे हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा, वैभव एगाड़े साहब ने, कि सर क्या बॉटम बन चुका है? इस प्रश्न का उत्तर मुझसे कई लोगों ने पूछा है, क्रमशः के देखा जाए प्रत्येक वीडियो में एक दो कमेंट्स तो आते ही हैं। तो उसका जवाब देने से पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे अलाइस ब्लू या जीरोधा में खोलने के लिए लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जो प्रश्न है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि सर क्या बॉटम बन चुका? बॉटम मतलब कि जो निवेशक है उनको लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है कि अपने नीचे के लेवल पर आ गया और यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है और इससे नीचे जाने की संभावना कम है, ऐसा इनका पूछना है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि 23 मार्च जब 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद मंडे को जो मार्केट भयानक गिरी थी जिसमें ट्रेडिंग फ्रीज कर दी गई थी, अगर आपको याद हो मार्च में जो पहली दफ़ा हुआ था जब लॉकडाउन हुआ था, उस समय सब कुछ सामान्य चल रहा था, सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से कि कोरोना वायरसेस जो है भारत में भी अपने पैर पसार रहा है और इस वजह से यहाँ पर लॉकडाउन की घोषणा की जाती है। इतनी ज़्यादा गिरावट हुई थी कि उस दिन ट्रेडिंग फ्रीज हो गई थी। अब आप देखिए कि इतने दिन के बाद, कुछ दिनों से देखा जाए तो करीब 9000 के आसपास हमारा निफ्टी जो है कंसोलिडेट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इतने दिनों तक पूरे उद्योग धंधे बंद हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, उसके पश्चात मार्केट वहीं पर कहीं ना कहीं नीचे ऊपर थोड़ी सी हो रही है, तो आपको लगता है क्या बॉटम बन चुका है? मुझे लगता नहीं, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि कोई भविष्य प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किसी स्टॉक का या किसी अपने इंडेक्स का कि बॉटम बन चुका है या नहीं बन चुका है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे और जा सकती है। उसका रीज़न है कि जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं क्वार्टर फोर के, जबकि वहाँ पर कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ 10 दिन का ही प्रभाव था 22 मार्च के बाद लॉकडाउन के बाद, लेकिन जो क्वार्टर वन के आएंगे उसमें तो सारे उद्योग धंधों में प्रभावित होगा, सबके फाइनेंशियल जितने भी नतीजे आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, सब अपने मुनाफा उनका कम होगा, उनकी बैलेंस शीट पे असर पड़ेगा, उनकी सेल्स में असर पड़ेगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बंधु बॉटम अभी नहीं बना, ये मेरा अपना मानना है। आइए बजाज फिनसर्व पे हम बात कर लें, आशा है कि आप समझ गए होंगे। और सबसे पहले हम प्राइस देखेंगे, आज मार्केट खुली हुई है, फ्राइडे है, 10:46 के करीब हो रहे हैं। बजाज फिनसर्व लिमिटेड 4542 पे जो है ट्रेड हो रहा है NSE पे, और इसके नतीजे आ चुके हैं, वो भी हम अपडेट करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि हाई गया था साल का 9950, यानी 10000 के आसपास मान लीजिए, और लो बना चुका है 4160, और अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट अगर देखी जाए तो इसमें जो रिटर्न रह गए हैं, एक साल जिन्होंने पैसे पहले पूर्व लगाए होंगे उनको 44% से ज़्यादा का जो है लॉस हो रहा है, जिन्होंने 6 महीने पहले इसमें निवेश किया होगा उनको करीब 50% के आसपास का लॉस हो रहा। मार्केट कैपिटल रह गई है 72,235 करोड़ की आज की तारीख में, और ₹5 पर शेयर के हिसाब से इसकी फेस वैल्यू है। वर्तमान पी रेशियो है 21 का, अर्निंग पर शेयर है 211 का, प्राइस टू बुक निकल के आ रहा है 2.31, डिलीवरी इसके 18%, और डिविडेंड मामूली सा डिविडेंड आपको पे करता है। पी रेशियो और प्राइस टू बुक के हिसाब से या जो स्टॉक प्राइस है वो अभी काफ़ी आकर्षक लग रहा है, फेयर वैल्यू पे है, काफ़ी सस्ता लग रहा है, परंतु सस्ते की बात नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है कि आने वाले जो क्वार्टर वन के नतीजे रहेंगे, खासकर जो फाइनेंशियल NBFCs के जो कंपनियाँ हैं या फिर जो बैंक हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो हो सकता है कि बजाज फिनसर्व में भी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब कुछ और चीज़ें हम देख लें, अगर मान लीजिए कि अगर हम रिटर्न वाइज देखते हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में किस प्रकार के रहे, यहाँ पे पहले मैं लगा लेता हूँ आपका 10 सालों का करीब आसपास, लमसम एक 10 साल पकड़ लेते हैं, है ना, यहाँ से 2010, हाँ कितनी तारीख है, 2 जुलाई 2009, थोड़ा सा और आगे चलते हैं करीब यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया जनवरी 2010, और हम स्टॉक का नाम लिख देते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस, कि बजाज फिनेंस फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में किसने जो है बेहतरीन रिटर्न दिए हैं 10 वर्षों में। देखिए यहाँ पे जो ब्लू डार्क की लाइन है ये है बजाज फाइनेंस का, और जो स्काई ब्लू है वो है बजाज फिनसर्व का, यानी कि इसकी पेरेंट कंपनी। और बजाज फिनसर्व
और अगर हम यहाँ पे डेट देख लेते हैं एक बार, 18 जनवरी 2010, और आज की तारीख इन द सेंस कि थोड़ा सा पहले 13 अप्रैल तक, और थोड़ा सा कर्सर अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ, 22 अप्रैल तक के अगर हम रिटर्न वाइज देखते हैं दोनों कंपनियों में, मतलब बाप और बेटे कह सकते हैं आप, बजाज फिनसर उसकी पेरेंट कंपनी और बजाज फाइनेंस में, तो बजाज फाइनेंस ने दिए 6,321% के रिटर्न्स और बजाज फिनसर्व ने दिए हैं 1,292% के रिटर्न्स। ठीक है, ये है 22 अप्रैल 2020 तक जो डेट है, और यहाँ पे शुरुआत यहाँ से 12 जनवरी 2010 से लेके 22 अप्रैल तक के जो है रिटर्न वाइज हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस ने जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर साबित हुआ है बजाय बजाज फिनसर्व के। बट बजाज फिनसर्व भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। बजाज फिनसर्व के अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं तो सेल्स में ज़रूर यहाँ पे 2.31% की ग्रोथ है, लेकिन अगर हम मुनाफा देखते हैं तो मुनाफा में करीब 76.82% की गिरावट है, जो कि रह गई है पिछले वर्ष के क्वार्टर में थी 838 करोड़ की, जो कि इस बार 194 करोड़ की रह गई है। वहीं अगर हम Q3 से Q4 में देखते हैं तो यहाँ पे सेल्स में 8.69% गिरावट है, और जो मुनाफा है मुनाफा में 82.73% की गिरावट है, यानी पिछले क्वार्टर में थी 1125 करोड़ की और इस क्वार्टर में 194 करोड़ की रह गई है। तो स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, मुझे लगता है कि आने वाले जो क्वार्टर हैं Q1 में उसमें और भी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है गिरावट। बट फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और NBFC की होने की वजह से थोड़ा सा इसमें खतरा मंडरा रहा है। देखिए प्रमोटर्स के पास जो स्थिति है वो है 60.80% जो इसकी बजाज होल्डिंग्स प्रमोटर हैं इसके, और उन्होंने जो है क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, ये एक अच्छी चीज़ है कि 0.09%, जबकि FIIs म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस कंपनियों ने काफ़ी बिकवाली की है। अदर DIIs या नॉन इंस्टीट्यूशंस में उन लोगों ने भी काफ़ी ज़बरदस्त माल खरीदा है, होल्डिंग बढ़ी है। ठीक है, देखिए पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था बजाज फाइनेंस पे परसों, और उसमें मैंने एक तरीका बताया था कि हमें क्या करना चाहिए जब कोई बड़ी कंपनी टूटती है, 60-70% अगर टूट जाती है और एक डर का माहौल पैदा हो जाता है कि मार्केट अभी किस लेवल तक नीचे जा सकता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने यही बताया था कि जो भी आपकी पूंजी हो उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा अगर आपको लगता है कि फंडामेंटली कोई अच्छी कंपनी है और उसमें निवेश करना चाहिए, तो कभी पूरा पैसा आप निवेश ना करें। उसमें SIP भी कह सकते हैं, या फिर चाहें तो हर गिरावट में हर डिप में आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में उदाहरण देते आया हूँ। तो पूरा पैसा आप कभी ना डालें। और मैं तो अभी अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहें कि मैं क्या करने वाला हूँ बजाज फिनसर्व में, देखिए बजाज फिनसर्व 4,000 के नीचे मुझे काफ़ी आकर्षक और लगेगा अगर किसी कारणवश गिरावट आती है, अदरवाइज मैं बहुत ही सलीके से निवेश करूँगा। एक शेयर हर गिरावट पे, दो शेयर फिर उससे ज़्यादा अगर गिरावट हुई, या फिर मैं जून के बाद मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि इन कंपनियों में या बैंकिंग के हैं NBFCs के हैं वो सारे रिजल्ट्स आने के पश्चात बारिश के दिनों में मैं रणनीति बनाऊंगा। फिलहाल के लिए तो मैं अभी ख़रीदारी इसमें नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन कंपनी अच्छी, जो लोग बहुत लंबे समय के लिए निवेशक हैं वो चाहते हैं, उनको जब अगर उनका मन कर रहा है तो एक दो शेयर आप उठा सकते हैं, और फिर गिरावट आए तो फिर उस हिसाब से अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को डायरेक्ट खरीदने की सलाह इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता आप जो इंडिविजुअल्स हैं कि किसके पास कितनी पूंजी है, किसके पास किस प्रकार की पूंजी है, कि आपने कहीं लोन तो नहीं ले रखा, कि आपकी सैलरी कितनी, कहीं आप जॉबलेस तो नहीं हो गए हैं। तो ऐसे मौक़ों पे पहले अपने पास कैश रखना चाहिए। इस पैंडमिक में जो हालात हैं, जो उद्योग धंधे बंद हैं, तो उसमें सबसे बड़ी पूंजी आपकी जो है वो कैश है, उसको खाते में रखें। आपको अपॉर्चुनिटीज़ कई दफ़ा मिलेंगी इस शेयर बाज़ार में, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में उल्लेख किया कि मार्केट किस प्रकार से जो है बिहेव कर रही है, कि कहाँ जब शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की और थोड़े से केसेस थे तो मार्केट भयानक टूट गई थी, लेकिन आज लाख से ज़्यादा आंकड़े आ चुके हैं, प्रभावित हैं लोग इस बीमारी से, COVID-19 से, तब भी मार्केट मुस्कुरा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक फेक स्माइल है, फेक मुस्कुराहट है, फेक जो ग्रीन में ये मार्केट दिखती है, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करना चाहिए। अदरवाइज़ वही है कि आप इकट्ठा पैसा ना डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।